कैजुअलिटी उनकी कर दी, उनको वीरगति को प्राप्त करा दिया था और उनके दो अधिकारी मारे गए थे और हमारे जबकि मात्र 6 जवान शहीद हुए थे। ये किसी भी जो है दुनिया की हिस्ट्री परिचय हमारी वाहिनी में भी है, आप सभी विदित है। एक ही वाहिनी को कमांडर महोदय के नेतृत्व में एक सफल ऑपरेशन में, यह भी एक इतिहास है मैं बताना चाहूंगी, एक ही वाहिनी को कुशल नेतृत्व में जिसमें कमांडर महोदय जवानों के राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना निष्ठा शौर्य एवं साहस को याद करते हुए हम सब यह संकल्प को मालूम है। CRPF 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये 57वां जो है शौर्य दिवस CRPF के केंद्रीय रिजर्व ग्रुप मना रहा है। इस घटना के पीछे का जो इतिहास है वो आप सभी को मालूम है कि 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान की एक ब्रिगेड अटैक, जो कि हमारा गुजरात के अंदर में टक पोस्ट और सरदार पोस्ट, वहाँ पे 2nd बटालियन CRPF की 2 कंपनियाँ तैनात थी, तो रात को 3:30 बजे पाकिस्तान की इन्फेंट्री 51वीं जो है ब्रिगेड ने इन दोनों कंपनियों के जो है लोकेशन के ऊपर में अटैक किया, जिसमें हमारी कंपनी के जवानों, बहादुर जवानों ने उस ब्रिगेड अटैक को रोक करके रखा और 12 घंटे तक पूरे अटैक को रोक करके रखा, जिसमें पाकिस्तान ब्रिगेड के 34 जो है सैनिकों को हमारे जो है वीर जवानों ने मार गिराया, जिसमें उनके 2 अधिकारी भी शामिल थे और मात्र हमारे जो है CRPF के 4 जवानों की जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 जवान घायल हुए थे, बाद में वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, टोटल जो है 6 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये किसी भी जो है सैनिक इतिहास में एक अद्भुत जो है घटना है कि जिसमें एक पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी ने ब्रिगेड अटैक को रोका हो, जो कि पूरे तोपों, टैंकों और इन सारी चीज़ों से सुसज्जित हो, जिसके पास में हर तरीके के वेपनरी हो, और एक पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनी है जिसके पास मात्र में LMG 303 और 303 राइफल और 2-इंच मोटर के अलावा और कुछ नहीं हो, ये अपने आप में एक अद्भुत जो है इतिहास है और जिसकी वजह से जो है भारत के इन वीर जवानों को उस वक्त के जो गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, उन्होंने भी जो है भारतीय संसद में उनके जो है साहसिक कारनामों का जिक्र किया था। तो इस कड़ी में जो है हमारी 137 बटालियन ने शौर्य दिवस के अवसर पर एक पूरा जो है वीक का शौर्य वीक का प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने वैलर रन का आयोजन किया था, इसमें जो है इसके ऊपर में जो देशभक्ति के ऊपर में सॉन्ग कंपटीशन रखा गया था, पेंटिंग कंपटीशन रखा गया था, इसके अतिरिक्त जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कराई गई थी और उन सभी का आज यहाँ पर सभी जो उसमें 1st, 2nd और 3rd आए थे उनको जो है पारितोषिक दे करके जो है उनको सम्मानित किया गया था।